ये बॉडी के अंदर जाके गर्मी को बढ़ाती है, इसे एकदम अवॉइड करो। लेडीज वेलकम टू माय चैनल, आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अश्वगंधा के फायदे, अश्वगंधा यूजेस इन वुमेन, साइड इफेक्ट हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशन हो सकती है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा एंड में, और आपकी सबसे जिनके साथ शेयर करना जरूरी है उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं बढ़ाएंगे, वीडियो के अंदर चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अश्वगंधा ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। मैं काफी बार बोलती हूँ आप लोग अश्वगंधा के यूज करो, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स में आके बताती है, तो उनकी परेशानी सुन के मैं बताती हूँ मेरे नॉलेज के हिसाब से अश्वगंधा क्या आपको फायदा होने वाली है। क्योंकि मेरे वुमेन्स रिलेटेड चैनल है, मेरे चैनल के ऊपर प्रियर्स प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली आप लोगों को ये इशू में भी ये काम करती है अच्छे से। तो आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, कौन सा डिसऑर्डर में आपको लेना चाहिए, कब आपको नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानने के बाद यूज करोगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं स्टेप वाइज इसे डिस्कस करते जाऊंगी आप लोगों के साथ। तो अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक टॉनिक है, इसमें ज्यादा केमिकल भी नहीं रहता है। आप गुड क्वालिटी का अश्वगंधा खरीद के उसे आप डेली यूज करते हो तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली ये मेल फीमेल बोथ यूज कर सकते हैं, लेकिन वुमेन्स के बारे में आज बात कर रहे हैं मैं। तो वुमेन्स के क्या क्या इशू में हम यूज कर सकते हैं, कोरोनिक इशू में तो ऑब्वियसली इसे यूज कर सकते हैं, जैसे डाइजेस्ट प्रॉब्लम आपको हो रही है, गैस प्रॉब्लम को अच्छा करती है, टक्कर आती है और हार्ट में जलन महसूस होता है, और उसके साथ साथ आप काम करते करते थक जाते हो और काम के साथ साथ आपके हड्डी पेन महसूस होता है, नी पेन महसूस होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छा है, हड्डी पेन को प्रिवेंट करती है, ये क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, पाइल्स है आपको, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, खाना नहीं पचते हैं, कंस्टिपेशन प्रॉब्लम है, मोशन क्लियरली नहीं होते तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। आपको खून का प्रॉब्लम है, खून का कमी है, ब्लड कमी होती है, हीमोग्लोबिन का कमी है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ जो खास टॉपिक है, आजकल के दिनों में एनवायरमेंट के वजह से पीरियड्स का प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, हर किसी लेडीज के अंदर पीरियड्स का प्रॉब्लम ज्यादा होती है, मुझे भी हुआ था, मैं भी इसे कंटिन्यूअसली 3 महीने तक इसे यूज की हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। पीरियड्स का कोई भी प्रॉब्लम, जैसे पीरियड्स कम आना, पीरियड्स ज्यादा आना, ब्लड फ्लो कम आना, ब्लड फ्लो ज्यादा आना, किसी किसी का 1-2 दिन पीरियड्स होके ही बंद हो जाती है, तो उनके लिए काफी असरदार है ये टॉनिक। पीरियड्स के टाइम में खून नहीं बनती है, बहुत सारे लेडीज ने मुझे कमेंट्स में आके बताती है कि दी पीरियड्स में स्पॉटिंग हो रही है, बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आती है, ब्लड फ्लो ज्यादा नहीं होती है, और बहुत सारे वुमेन्स मुझे ये भी बोलते हैं पीरियड्स बहुत ज्यादा निकल रही है, बहुत दिन तक जा रही है, तो वो भी आप इसे यूज कर सकते हो। इरेगुलर पीरियड्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी इशू हो रही है, प्रेग्नेंट होने के रास्ता क्लियर नहीं है, बाधाएं आ रही है, तो प्रेग्नेंसी पाने के लिए भी ये काफी असरदार है। प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो भी इसे आप रेगुलरली यूज करो। तो भूख नहीं लगते है, एपेटाइट को ये बढ़ाती है, वेट आपको गेन नहीं हो रहे है, आप अंडर वेट हो गए हो, वेट गेन करने के लिए ये काफी असरदार है, और आपके ब्लड प्रेशर लो है तो उसे भी रेगुलेट करती है। तो ये हो गए वुमेन्स को क्या क्या इशू में हम ले सकते हैं, अभी बताएंगे क्या क्या इशू में हम नहीं ले सकते। पहले आपके ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो रेगुलेट करने के लिए आप इसे मत पियो, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई वालों को ये काम नहीं करता है। उसके बाद आते हैं, आपको प्रेगनेंसी रुका है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज इसे स्किप करो, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाके गर्मी को बढ़ाती है, पीरियड्स आने का चांसेस रहती है, पीरियड्स रेगुलेट करती है, ऑब्वियसली आपके पीरियड्स आने का चांसेस रहेगा और बेबी को खतरा हो सकती है, इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेग्नेंट आप हो तो कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसे एकदम अवॉइड करो। नेक्स्ट, आपके वेट बहुत ज्यादा हो तो इसे पीने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो किडनीज का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, लंग्स फंक्शन अच्छा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन ले रहे हो तो भी इसे स्किप करो। उसके बाद आप डायबिटिक हो तो, डायबिटीज आपके अंदर है तो, थायराइड आपके अंदर है तो प्लीज इसे स्किप करो, क्योंकि इसके अंदर स्वीट कंटेंट रहती है जिसके कारण डायबिटिक और भी बढ़ सकती है। फिर भी आप लेना चाहते हो तो आपके नियरेस्ट कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हो। अभी बात करेंगे
कैसे हम इसे पियेंगे। जिसके एज 25 यानी 25 से ज़्यादा है उनके लिए सुबह शाम मॉर्निंग नाइट 5 ml 5 ml करके 5 ml 5 ml करके 10 ml 10 ml आप पानी के साथ मिला के पियो। जब भी 5 ml आप टॉनिक ले रहे हो तो 5 ml पानी डाल दो एक कप के अंदर, तो अच्छे से मिला के यानी डायल्यूट करके आप पियो। डायल्यूट करके हम पियेंगे तो ये हमारे बॉडी के साथ अच्छे से ऑब्जर्व होगा और ये अच्छे से डाइजेस्ट होके काम करेगा। पानी के साथ आप नहीं मिला रहे हो तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए जितना क्वांटिटी में आप टॉनिक ले रहे हो उतना क्वांटिटी में आपको पानी डालना होगा। लेकिन आपको एम्प्टी स्टोमक नहीं लेना है, आफ्टर फूड खाने के बाद ही आपको इसे यूज करना है। तो आप इसे पी रहे हो, कैसे पी रहे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोलो। तो मैं भी जानती हूँ मेरे जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स इसे पिए हैं, अभी भी पी रहे हैं, क्या रिजल्ट आपको आई है कमेंट सेक्शन में आके कृपा करके बता के जाना। क्योंकि जो लेडीज मुझे देख रहे हैं और आप कमेंट भी कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो तो आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, तो जरूर एक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट आप इसे यूज कर रहे हो तो साइड इफेक्ट भी पहले आपको जानना चाहिए। ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं रहती है, फूड क्वालिटी कोई भी अशोका क्रिस्टल लेते हो तो ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं रहती है। लेकिन पहले आपके क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो या पहले दो बार ले रहे हो उसके वजह से वॉमिटिंग फीलिंग आ सकती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा रखने के लिए हम पियेंगे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके थ्रू और भी कुछ इशू आपके साथ हो सकते हैं, प्लीयर्स का प्रॉब्लम आ सकती है और दूसरा कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लूज मोशन तक जा सकती है। पहले आपके बॉडी के साथ सूट होने के लिए कुछ टाइम दो। पहले ही आप देख रहे हो 5 ml 5 ml करके ले रहे हो लेकिन ये सूट नहीं हो रहा है, तो आप इसे एक बार ही लो, एक बार ही 5 ml करके लो। 5 ml यानी 1 tablespoon आप लो, लेकिन जितना क्वांटिटी में आप टॉनिक ले रहे हो उतना क्वांटिटी में आपको पानी मिलाना है। तो गाइस ये टॉनिक बहुत ही असरदार है और हमारे सामने ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं वैद्यनाथ और डाबर का टॉनिक, डाबर का अशोका क्रिस्टल और वैद्यनाथ के अशोका क्रिस्टल। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी, वैद्यनाथ और डाबर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो वैद्यनाथ का थोड़ा प्राइस कम रहती है, रीजनेबल रहती है, और डाबर का थोड़ा कॉस्टली होती है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड करती है। कम क्वांटिटी वाला आप लेते हो तो ये अफोर्डेबल होती है। नियरेस्ट ड्रगिस्ट केमिस्ट यानी मेडिसिन के शॉप में जो भी मिलेगा वो भी आपके रिजनेबल प्राइस में उसे आप खरीद के पियो, ये काफी अच्छा रिजल्ट दिखाती है। लेकिन एक बोतल खरीद के हाफ बोतल पी के आप छोड़ रहे हो तो इसका भी एक रूटीन रहती है, आपको पूरा कोर्स खत्म करना पड़ती है उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगी। तो एक बोतल आप खरीद रहे हो तो पूरा उसको फिनिश कर दो, ऐसे सोच रहे हो नहीं हम हाफ बोतल पी के छोड़ रहे हैं हमारा अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। किसी के एक बोतल पीने के बाद ही ठीक हो जाती है, यानी एक महीना पीने के बाद ही ठीक हो जाती है। जिसका नया नया स्टार्ट हुआ है प्रीयर्स प्रॉब्लम और कोई भी इशू जो मैं पहले बता चुकी हूँ नया स्टार्ट हुआ है उनको एक महीने के बाद ही ठीक हो जाती है, स्पेशली प्रीयर्स प्रॉब्लम एक महीने के बाद ठीक हो जाती है। जिसका पुराना प्रॉब्लम है उसको 3 महीने तक इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसीलिए एक महीने के लिए एक बोतल काफी है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलो, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ और ट्राई करूंगी जल्दी देने के। तो गाइस ये था मेरे आज के वीडियो अशोका क्रिस्टल के फायदे, अशोका क्रिस्टल यूजर्स इन वुमेन कैसे इसे हम पी सकते हैं, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ वीडियो के अंदर। आशा करती हूँ आप लोग पूरा वीडियो को फॉलो किए और प्रिकॉशन के साथ साथ साइड इफेक्ट सब कुछ मैं बताई, सब कुछ फॉलो करके आप इसे यूज करोगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। फिर भी आपके मन में सवाल है तो कोई भी डाउट है तो आपके नियरेस्ट कोई भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके तब आप पियो। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करो, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल रिंग टिंग है उसे भी दबा के रखो। अब सब्सक्राइब किया तो मेरे और से आपको ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।